श्रीमद् भगवद् गीता जीवन जीने की सही राह दिखाती है। गीता की बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसमें हर समस्या का हल छिपा है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन द्विधा मनस्थिति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन वजहों से आती हैं और उनका हल क्या है। आज हम वही जानने वाले हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता के अनुसार गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है तथा सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन के बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना परम कर्तव्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है केवल उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के पश्चात भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूर्ण तरह से घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। ये सारी वृत्तियां दीमक की भांति इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना अर्थात आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर ही वो क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य सदैव दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। यदि हम पुण्य का मार्ग न छोड़े तो हमारी विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण।